welcome to all the students once again in the previous video we have seen the need and importance of time value of money and what does future value and present value means through an example today we will see the computation of future value and present value of money that how we can calculate the future value and present value of money so let us see there are basically two methods for computation of time value of money. These are compute compounding techniques or future value techniques. The second one is discounting techniques or present value techniques. So, these are the two methods through which we can compute the time value of money. So, let us see the first one that is compounding technique. The compounding technique हेल्प इन फाइंडिंग आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी सो द कंपाउंडिंग टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी मतलब आज के पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी ये हमें पता करने के लिए हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करते हैं इन दिस कंपाउंडिंग टेक्निक ऑल्सो देर आर टू हेड्स विच कंप्राइज ऑफ फर्स्ट वन इज योर future value of a single sum of money why it is called as future value of a single sum of money because you are depositing or you are investing the money at one time only and to know that value and to know the value of that sum in future we calculate the future value of a single sum of money so for calculating the single sum of money future value we use this formula where FV वी एन फॉर द फ्यूचर वैल्यू मतलब आपके उस पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली है एंड पी वी स्टैंड फॉर द प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट में आपके पैसे की क्या वैल्यू है एंड के स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट रेट एंड एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने सालों के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन द सिंपल वे वी कैन से दैट कंपाउंडिंग टेक्निकल्प्स टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ आर प्रेजेंट मनी जो हमारा पैसा आज है उसका वैल्यू प्रेजेंट फ्यूचर में क्या हो सकता है वो पता करने के लिए हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करते हैं जिसके अंदर भी दो हेड्स आते हैं जिसमें से फर्स्ट है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम ऑफ मनी सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम ऑफ मनी सी इफ यू डिपॉजिट रुपीज वन थाउजेंड टूडे इन अ बैंक विच पेज टेन परसेंट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच विल द डिपॉजिट ग्रो आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स अगर आप बैंक में वन थाउजेंड आज डिपॉजिट करते हो जो कि टेन परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली तो आपके डिपॉजिट की वैल्यू बारह साल के बाद कितनी होने वाली है मतलब आपका प्रेजेंट में मनी की वैल्यू कितनी है वन थाउजेंड एंड यू वॉन्ट टू नो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर दर्स सो बाई यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला

and this 3138 uh, is your future value so 1000 that is present value key value kahone value future may 3138 so this was the example of your future value of a single sum of money now let us see the second head of the compounding technique the second head is future value of a series of equal cash flows or you can say it as a annuity annuity means what a series of equal cash flows occurring every year for a number of years continuously is called an annuity means annuity ka matlab kya hai ki when a series of deposit or investment is made it is called as annuity and this is the formula through which you can calculate the sums on annuity सो आपके कंपाउंडिंग टेक्निक में एन का कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, वेर एफ वी ए एन स्टैंड फॉर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन ए स्टैंड फॉर द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट पीरियोडिक फ्लो के स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट रेट एंड एन स्टैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एन्यूटी लेटेस्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो सी फोर इक्वल एनुअल पेमेंट्स ऑफ रुपीज टू थाउजेंड आर मेड इन टू अर डिपोजिट अकाउंट दैट पेज एट परसेंट इंटरेस्ट पर ईयर वॉट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एनविटी एट द एंड ऑफ फोर ईयर्स मतलब आप चार साल में हर चार साल को साल के अंत में आप दो हजार पे कर रहे हो और आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल का एट परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको पता करना है कि उस चार साल के अंत में आपके उस पैसे की वैल्यू क्या होगी So by using that following formula which we have seen in the previous slide, we come to know as rupees 9014 will be the future value of that 2000 rupees which you are making annually, which you are making payment of it annually. So 2000 you are making the payment, almost you are making 8,000 payment in 4 years. You are depositing 8,000 in 4 years at 8% interest per year. Then you will get the future value of that annuity as 9,014. सो दिस विल बी your फ्यूचर वैल्यू ऑफ annuity. प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आप चार साल लगातार एनुअली पेमेंट कर रहे हो टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू थाउजेंड जब आपको पता करना है कि अगर मैं चार साल ये टू थाउजेंड पे करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है फ्यूचर में मेरे पैसे की वैल्यू कितने होने कितना होने वाली है तो फ्यूचर में आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी नाइन थाउजेंड फोर्टीन सो दिस वॉज दिन एग्जाम्पल ऑफ एनउिटी अंडर द कंपाउंडिंग टेक्निक एंड एंड वन वो थिंक ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टेबल भी मिलता है सीवीएफ टेबल दिस सी वी एफ टेबल इज प्रोवाइडेड सो दैट यू कैन कैलकुलेटेड इजिल बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी कैलकुलेशन प्रोसीजर सो दैट इज वाई दिस टेबल इज प्रोवाइडेड टू कैलकुलेट दी प्रॉब्लम्स ओके नाउ नेक्स्ट कम्स योर डिस्काउंटिंग टेक्निक द डिस्काउंटिंग टेक्निक हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू

वॉट एवर द वैल्यू ऑफ़ योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी यू आर गोइंग टू रिसिव्ड यू वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ़ दैट मनी इन टूडेज टाइम दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी मतलब जो आपको पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है आप उसका वैल्यू आज के समय में जानना चाहते हो तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक हम बोलते हैं इसको इट ऑल्सो कम्प्राइजेस ऑफ द टू हेड्स In which the first one comes as present value of single sum of money. I hope you know what is the single sum of money means. I have discussed earlier in this slide. Here, single sum of money means we are receiving one time. Okay. The following formula is used for the calculation of present value of single sum of money. So this is the formula for calculating the future value of single sum of money. Let us see an example to get the concept cleared. मिस रेखा हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स ईयर्स फ्रॉम नाउ इफ शी कैन अर्न टेन परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट वॉट इज द मोस्ट शी शुड पे फॉर द अपॉर्चुनिटी रेखा हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स ईयर्स फ्रॉम नाव छः साल बाद रेखा को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्वेंटी थाउजेंड अर्न करने की जिसके लिए शी कैन अर्न टेन परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट तो आज के समय में उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कितना डिपॉजिट करना चाहिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसको फ्यूचर में ट्वेंटी थाउजेंड मिलेगा छ साल बाद तो यहाँ पे आपको क्या है फ्यूचर वैल्यू आपको पता है पर प्रेजेंट वैल्यू यू वांट टू नो कि आज के टाइम में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उस इन्वेस्टमेंट की तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट इट वेन वी आर पुटिंग दीज साम्स इन दिस फॉर्मूला वी कैल्कुलेट एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज एज इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी नाइन पॉइंट फोर सेवन सो वो ट्वेंटी थाउजेंड जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है सिक्स थाउजेंड सिक्स ईयर सिक्स ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू प्रेजेंट टाइम में कितनी आ रही है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी नाइन सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर मनी ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम ऑफ मनी

प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द दी अमाउंट बाय द प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर दैट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर टेबल सी जैसे कि आपने कंपाउंडिंग टेक्निक में देखा था एनिटी केस में सीवीएफ टेबल प्रोवाइड होता है इन द सेम वे एनटी फैक्टर जानने के लिए इस केस में भी एक पी टेबल होता है That makes the calculation very easily when you are calculating the present value of a series of equal future cash flow or NOT. So due to so with the help of this table, the calculation is made very easily. But if you don't have the table, by using this particular formula, one can calculate the NOT problem under the discounting technique. Let us see an example to clear the concept. Suppose you expect to receive रुपीज वन थाउजेंड एनअली फॉर थ्री ईयर्स रुपीज़ वन थाउजेंड एनअली फॉर थ्री ईयर्स ईच रिसिप्ट अक्रिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स इफ द डिस्काउंट रेट इज टेन परसेंट सी यू आर एक्सपेक्टिंग दैट वन थाउजेंड आपको हर साल तीन साल तीन साल है उस तीन साल में हर एक साल के अंत में आपको वन थाउजेंड मिलने वाला है ठीक है एंड आपको डिस्काउंट रेट कितना मिल रहा है टेन परसेंट तो आप इसकी वैल्यू क्या जानना चाहते हो प्रेजेंट में मतलब फ्यूचर में आपको हर तीन साल मतलब हर एक एक साल के अंत में वन थाउजेंड अगर आपको मिलेगा तो आप जानना चाहते हो कि प्रेजेंट वैल्यू में उसकी वैल्यू क्या होगी सो बाय यूजिंग दैट इज शोन इन द प्रीवियस स्लाइड वी कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट सो द प्रेजेंट वैल्यू कम्स टू बी एज टू सो जो हंड्रेड एंड सेवेंटी एट आपको रिसीव होने वाला है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या आएगी टू 2478 rupees. This can be calculated by the use of PVF table also, which makes the calculation of the annuity problems very easily. So, this is what your annuity was under the discounting technique. So, with the help of these techniques, that is compounding techniques and discounting techniques, it proves very beneficial for the firm and for an individual to take financial decisions so i hope you have understand the whole concept of time value of money relating to its need importance future value present value and its computation till then thank you